हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लावा के फ़ोन में जो हॉटस्पॉट डिवाइस लिमिटेड कनेक्शन ऑप्शन होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस हॉटस्पॉट डिवाइस के लिमिट कनेक्शन ऑप्शन को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जब बस लावा का फ़ोन है, लावा के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस मोबाइल सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेना है। तो सिंपली हम मोबाइल सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो कैसे हमें सेटिंग्स ऑप्शन है, तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर देते हैं। कैसे सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो कैसे हमको क्या करना है, सीधे यहाँ पे आपको जो हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन शो होगा, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फर्स्ट ऑप्शन वाईफाई हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का, इस वाईफाई हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो मैनेज डिवाइस ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैसे यहाँ पे आपको डिवाइस लिमिट का ऑप्शन सिंपली शो हो जाएगा। तो इस हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैसे यहाँ से सिर्फ आपकी जो 1, 2, 3 आपके यहाँ पे सिर्फ 1 से 8 तक लिमिट्स है। तो इस हमने यहाँ पे 8 लिमिट सेलेक्ट कर रखी है। तो कैसे यहाँ पे आपको जो हॉटस्पॉट है वो 8 डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है। और कैसे आप यहाँ पे सिंपली 1 पे क्लिक कर देना, 1 पे क्लिक करने तो आपके जो कोई भी एक डिवाइस आपका जो कनेक्ट हो सकता है, सिर्फ एक डिवाइस ही कनेक्ट होगा, और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा अगर 1 डिवाइस पे है। तो इसको हम 8 पे कर दें तो आपके यहाँ पे फ़ोन में जो 8 डिवाइस है सारे 8 डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट की डिवाइस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। और अगर इस यहीं पे हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर इसे आपके यहाँ पर हॉटस्पॉट का पासवर्ड नेम चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको वो भी चेंज कर सकते हो, सिंपली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।